हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। तो मैं आई हूँ अभी पूजा करने। आज वैभव लक्ष्मी जी का व्रत है और अभी करेंगे हम पूजा। तो वैभव लक्ष्मी जी का व्रत कर रखा हुआ मैंने सुबह से। अभी मेरा पानी गिर जाता, बच गया। कसार बनाया है अभी, और कसार बना करके लेके आई हूँ और अब करेंगे पूजा। आप लोग सब सोचते होंगे कि मैं इस पे क्यों बैठती हूँ, स्टूल पे। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊँगी। मेरी कमर में प्रॉब्लम रहती है, इसी वजह से मैंने कान वाली भी लगाई हुई है और इसी वजह से मैं स्टूल पे बैठ के काम करती हूँ। मतलब पूजा वूजा जो करती हूँ वो इस पे स्टूल पे बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि नीचे बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, आज का व्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है। आज मैं सुबह से कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत काम था। आज बहुत काम किया है और काम था मेरा पार्लर से रिलेटेड, तो उसको मैं शूट भी नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और अभी मैं जस्ट अभी निपटी हूँ काम करके, और फिर मैंने कहा चलो लेट हो जाऊंगी। 5 बजे हुए, 5 बज गए होंगे अभी, 5 बजे हैं और मैं कर रही हूँ वैभव लक्ष्मी जी की पूजा। और अभी कहानी पढ़ूंगी सुनूंगी सब, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा नहीं है। चलो श्रेया को बिठा लूँगी, वैसे तो मैं बराबर में यहीं पर बैठ जाती है श्रेया। और आज मैंने पूरा गर्मी मनाई हुई है, ये वाला स्वेटर पहना हुआ था। और फिर वो जो काम किया है ना मैंने, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने स्वेटर निकाल दिया। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो आज गर्मी का सूट। ये देखिए गर्मी आ गई है मेरे लिए, और मैं ये इस तरह से यहाँ बैठी हूँ और अब करूँगी पूजा। मुझे मरून कलर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मरून कलर, चाहे वो लिपस्टिक में हो, चाहे वो नेल पेंट में हो, चाहे वो सूट में हो। आप लोग भी ये सोचेंगे कि पूजा करने बैठी है, पूजा कर ले, बातें इधर उधर की बंद कर। चलिए ठीक है, करते हैं पूजा। ये देखिए, ये मैंने कलश में जो है जल रखा हुआ है, एक मुट्ठी चावल रखी हुई है कलश के नीचे, और ऊपर कटोरी में जो है ये एक फूल रखा हुआ है माता रानी के लिए, और ये एक अंगूठी रखी हुई है सोने की, क्योंकि सोने की पूजा करनी होती है। और ये मैंने बनाया हुआ है कसार, मैंने कसार बनाया हुआ है। और अब लक्ष्मी जी की जो है, लक्ष्मी जी तो यहीं पर विराजमान हैं, तो इनकी पूजा करूँगी। और अभी श्रीयंत्र मेरे पास अभी जो बुक में ही है, उसी श्रीयंत्र का मैं पूजन करती हूँ। और श्रीयंत्र मैं जल्दी ही बनवाऊँगी, लेकर के आऊँगी जल्दी ही, क्योंकि व्रत मैंने अभी स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि व्रत मेरे अभी शुरू हुए हैं, तो आज कई दिनों में मंदिर की वीडियो बन रही है। शिरडी जाने से पहले ही मंदिर की वीडियो बनी थी, तो अभी करते हैं पूजा। ये सुबह पूजा हुई थी, इसको अभी कर देंगे हम साफ। तो पूजा वूजा मेरी हो गई है और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में आज जो है रात के टाइम बनेगा बैंगन का भरता, और यहाँ मैं काट रही हूँ बैंगन। बैंगन काट करके फिर मैं एक तरफ दूध चढ़ाऊँगी, दूध आया हुआ रखा है, और दूध गर्म करूँगी। किचन को पूरा समेटना है, फैली हुई पड़ी है। तो सब्जी वब्जी आई थी वो रख दी थी मैंने धुल करके, और अभी जो है पूरा किचन समेटना है। ये मैंने कसार बनाया था जो, वो अब डब्बे में एक कटोरी में करके रख दूँगी, बाकी तो सब बच्चों ने खावा खा लिया था। और यहाँ जो है मैंने कसार ये रख दिया है उठा करके, बच्चों का मन जब होगा तब खा लेंगे। और यहाँ दूध गर्म करेंगे और एक तरफ छोंकूंगी मैं बैंगन का भरता। तो ये कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई चढ़ा करके दूध, एक तरफ दूध रख दिया है मैंने उठा करके उबलने के लिए छान करके। और ये देखिए इतना सारा कूड़ा हो जाता है किचन में, ये पूरा अभी दोपहर से अभी तक का है। अब इसको भी इकट्ठा करके डाल दूँगी मैं,
और यही बस आज हमें छोटा सा व्लॉग बना है, और तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, काम भी इतना नहीं हो पा रहा है, बहुत तबीयत क्या है, थोड़ा सर्दी फील हो रही है। आप लोग कहोगे भी कि ठंड लग रही है, तब भी स्वेटर नहीं पहनी हुई है, भी काम करते हुए स्वेटर नहीं पहनी जाती, जब ज़्यादा ठंड होती है तो मजबूरी होती है पहनने की, लेकिन जब कम ठंड हो, क्योंकि अब ठंड कम है, इतनी ठंड नहीं है। और यही था मेरा आज का बस छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा, और पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पीछे बच्चे बोल रहे हैं अभी बच्चे तो अभी यही था बस मेरा आज का व्लॉग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा सा व्लॉग कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छा सा व्लॉग लेकर आऊँ, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।